नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। चर्चाएं ये चल रही हैं कि अभी कोरोना को देखते हुए छोटे स्तर पर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज के न्यूज हेड तारिक हाशमी जी। सर, कोरोना अभी फिलहाल चल रहा है, लगातार मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक बढ़ती जा रही है और फिलहाल अभी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं है, गृह मंत्री भी मध्य प्रदेश में अभी नहीं है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन मैन शो के तौर पर अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब चर्चा ये है कि बहुत ही जल्द कैबिनेट का विस्तार मध्य प्रदेश में हो सकता है। क्या कहेंगे सर इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि कैबिनेट का जो गठन होगा वो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आप देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से दबाव था कि कैबिनेट का गठन किया जाए और जो सिंधिया जो समर्थक थे, जो विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी एक पावरफुल मिनिस्टर बनना चाहते थे। उनका कहना ये था उनको कांग्रेस में पावर नहीं दिए गए थे, इसलिए वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसमें वो पावरफुल मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो पावरफुल मिनिस्टर बनने के लिए उनको जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में आए। तो अब वो जो है ये चाहते थे, अंदरूनी खबरें जो आ रही हैं वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसका गठन हो, लेकिन अब बात ये आ रही है कि छोटा मंत्रिमंडल बनेगा तो फिर वही वाली बात आ गई कि सिंधिया समर्थक कितने लोग होंगे, तो उसमें दो तीन नाम ही सामने आ रहा है, बाकी तो कोई है नहीं है। अब छोटा मंत्रिमंडल होगा तो उसमें सागर जिले से तो तीन मंत्री जाएंगे ही जाएंगे, एक तो भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत। बड़ी मज़ेदार बात इसमें यह है कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं उसमें ये कहा जाता है कि भाजपा अपने इतने लोगों को रख सकती है और सिंधिया समर्थक, तो समझ ये नहीं आता कि वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिए तो फिर भाजपा उनको अब अलग क्यों समझती है, और या भाजपा नहीं समझ रही तो फिर इस तरह की खबरें क्यों चलाई जा आ रही हैं सामने कि भाजपा इतने लोगों को रख सकती है और सिंधी समर्थकों में से तीन को ले सकती है और सात लोग जो है वो भाजपा के हो सकते हैं। तो ये भी एक मज़ेदार बड़ी बात है जिसके बहुत मज़े लिए भी जा रहे हैं राजनीतिक हलकों में। लेकिन देखा ये जाए कि जिस तरीके से छोटा अगर मंत्रिमंडल बनता है तो सिंधिया समर्थक जो विधायक पूर्व विधायक हैं जो इन्होंने इस्तीफा दिया है वो जो है उसमें से उन्हें तीन ही लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। मुख्य रूप से तुलसी सिलावट हैं उसमें, गोविंद सिंह राजपूत हैं और बिसाऊलाल सिंह जो वो हैं, लेकिन वो सिंधिया समर्थकों माने जा रहे थे लेकिन वो सिंधिया समर्थक इतने थे नहीं, लेकिन फिर भी वो माने तो गए हैं कि वो सिंधिया समर्थक ही हैं क्योंकि वो सबके साथ थे। तो तीन लोगों को रखा जाएगा और बिसाऊलाल सिंह ने शायद कहा भी है कि वरिष्ठता को जो है वरीयता दी जाए, मतलब उनको भी लिया जाए। बिल्कुल, वो तो ये आरोप लगा के भाजपा में गए थे कि उनको एक बड़ा समय हो गया है, काफ़ी टाइम से वो विधायक भी हैं, मतलब सीनियर नेता है कांग्रेस के, लेकिन उपेक्षा लगातार उनकी की जा रही थी, मंत्रियों ने नहीं बनाया जा रहा था। सर, एक बात और भी है कि अभी तीन लोगों के नाम सिंधिया समर्थकों के तौर पर सामने आए हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं और तुलसी सिलावट हैं और बिसाऊलाल सिंह भी हैं। तो एक बात लेकिन सर इसमें यह है कि 22 लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और 6 उसमें से कैबिनेट मंत्री थे। सर बिल्कुल, 6 कैबिनेट मंत्री थे। अब वो आप जैसे दो लोग इसमें आ जाएंगे, मान लीजिए कि आप गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, तो बाकी लोग क्या सिंधिया के इतने खासम खास नहीं थे, ये भी तो बात होगी ना, क्योंकि वो तो जब सबने छोड़ी थी कांग्रेस तो वो तो सभी जो 6 मंत्री थे यूं मान लीजिए तो 6 मंत्री तो सभी खासम खास थे ना। तो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ये माना जाए कि वो ज़्यादा करीब ही हैं गोविंद ज्योतिरादित्य सिंधिया के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आप देखिए सांची से विधायक हैं प्रभुराम चौधरी थे जो विधायक, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। ऐसे कई सारे और भी मंत्री हैं, 4 और मंत्री हैं, 3 मंत्री और हैं जो सिंधिया समर्थक हैं, उनका नाम नहीं आया। प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, तो ऐसे और भी नाम हैं। तो बड़ा एक हुआ पो की हालत बनी है यहाँ पे, उसमें नाम शामिल है। जी, आपने सवाल दोहराए। जी, मैंने कहा इमरती देवी भी इसमें शामिल है। इमरती देवी हैं उसमें शामिल हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, तो ऐसे लोग हैं उसमें शामिल। लेकिन अब देखना यह होगा कि सिंधिया समर्थक कितने हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय पर निगाह रहेगी,
लोगों की कि स्वास्थ्य मंत्री की सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत है मध्य प्रदेश में इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री का अगर देखा जाए तो हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को दिया जाए, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो गोपाल भार्गव उसी के ख्वाहिशमंद हैं, और ठाकुर भूपेंद्र सिंह जो हैं वो उनको शायद गृह मंत्रालय दे दिया जाए। तो इस तरह की बातें आ रही हैं, सिर्फ कयास हैं, अभी कोई इस तरह का कोई ये फैसला तो है नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री का काम है कि वो ये देखेंगे इस वक्त के स्वास्थ्य विभाग में कौन ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, ये सबसे ज्यादा इस वक्त देखा जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा शायद पहले जी बड़ी जिम्मेदारी वाला अभी अगर हम विभाग कहें या कहें कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। एक बात और भी है सर, पथरिया से जो विधायक हैं रामबाई, अब चर्चा ये भी चल रही है वो तो ये कह रही हैं कि उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। नहीं, अब वो इस वक्त वो कमलनाथ की भी तारीफ की, उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने उनसे कभी झूठ नहीं बोला। कमलनाथ ने उनसे हमेशा ये कहा कि वो दीदी बहन जी मतलब मायावती से अगर वो कहलवा देती हैं कि इन्हें मंत्री बनाया जाए तो वो मंत्री बनाने को राजी हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने बार बार कहा कि कमलनाथ जी ने कभी झूठ नहीं बोला, वो दोहराती रही कि दादा ने कभी नहीं झूठ बोला। अब उन्होंने ये बात कही कि मुझसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि हम मंत्री बनाएंगे। लेकिन बात दरअसल ये है शाहबाज, यहाँ पे एक तो ये कि वो जो उनसे कहा है वो अब वो उन्होंने उनसे सही कहा था या झूठ कहा था ये वो अभी उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन अभी तो पूर्ण बहुमत में देखना ही होगा कि पूर्ण बहुमत में है भाजपा, अगर नंबर के हिसाब से विधानसभा की बात की जाए तो पूर्ण बहुमत में, और उसको 107 है उसके पास विधायक, उसके पास 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, 22 पे 24 पे उपचुनाव होना है। तो अब ये बात यहाँ पे ये देखना होगी कि रामबाई से ये बात कब कही थी, धर्मेंद्र प्रधान ने, ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने, नरोत्तम मिश्रा ने, शिवराज सिंह चौहान ने, ये बात उनसे कब कही थी। एक तो देखिए, जब सिंधिया जो समर्थक जो थे वो शायद 6 मार्च को वो बेंगलोर पहुंचे थे, और उससे पहले इन लोगों की बात जो हुई थी रामबाई से हुई थी, जब वो जब जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी उनको लेकर के आए थे, तो उस टाइम की बात, उसके बाद वो फिर कांग्रेस के साथ चली गई थी, तो शायद वो बात तो खत्म हो गई होगी। हाँ, अगर ये बात, इसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर उनकी ये बात रामबाई की जो बात हुई है, जो जितने तमाम वो नेताओं की बात कर रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से, भूपेंद्र सिंह से, नरोत्तम मिश्रा से, शिवराज सिंह चौहान से, इन सब से बात हुई है, तो उनकी बात कब हुई थी, क्या उसके बाद अभी हुई है, कुछ रिसेंटली हुई है, या जब विधायक सिंधिया समर्थक जब वो विधायक वहां पर थे बेंगलुरु में, तो उस टाइम हुई है, उनके आने के बाद हुई है, या उनके पार्टी छोड़ने से पहले, या उनके बेंगलुरु पहुंचने से पहले, या उनकी बगावत करने से पहले ये बात हुई थी। अगर ये रामबाई की बात सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ने की बात कही 6 मार्च को शायद, उससे पहले कही है, तो अब उनके ये मायने, इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते। अगर उनसे ये बात है, मायने यहाँ पे ये जब निकाले जाएंगे इनकी इस बात के, जब सब ये जितने भी 22 विधायक थे सिंधिया समर्थक उनके इस्तीफे कबूल हुए थे, सरकार गिर गई थी कमलनाथ की, उसके बाद अगर उनसे कोई बात हुई है रामबाई से, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी बात में फिर शायद दमदारी भी होगी, और उसको भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान तवज्जो भी देंगे। लेकिन अगर उनकी बात 6 मार्च से पहले हुई है, तो फिर शायद मैं समझता हूँ कि इतनी असरकारक बात नहीं होगी, क्योंकि जिस होटल में वो रुकी हुई थी वहाँ से जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह उनको कांग्रेस में बाकायदा ले आए थे, तो वो बात तो शायद ख़त्म हो गई होगी। और अगर 6 मार्च के बाद जब सिंधिया ने पार्टी छोड़ने की बात की, जो पूरा ड्रामा चला उसके बाद सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद अगर रामबाई से किसी ने बात की है, कोई कमिटमेंट किया है, तो हो सकता है कि वो फिर जब नेक्स्ट जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि रामबाई को शायद वो मंत्रिमंडल मिलेंगे अगर छोटा होगा, और अगर वो जब नेक्स्ट जब बनाएंगे, कोरोना यहाँ से मध्य प्रदेश से चला जाएगा, तो फिर उसके बाद जब बड़ा मंत्रिमंडल बनेगा तो हो सकता है उसमें जगह दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बनाना होगा, उसकी एक सीमा होगी, उसी में रहकर सब कुछ करना होगा। जी सर, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर, जी सागर से फिलहाल अगर हम
बुंदेलखंड क्षेत्र की बात यहाँ पर करें तो बुंदेलखंड से अभी गोविंद सिंह राजपूत का नाम आ रहा है सामने मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री उन्होंने बनाया जाएगा, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव, यानी बुंदेलखंड से ये तीन चेहरे रहेंगे। लेकिन एक बात सर, सोशल मीडिया पर इस बात की भी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि नरयावली से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप लारिया और सागर विधानसभा से विधायक हैं शैलेंद्र जैन, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। नहीं देखिए, क्योंकि अब हाँ ऐसा कहा जा रहा है कि क्या वरिष्ठता को लोगों को बना दिया, क्या वरिष्ठ लोगों को, क्या इनकी जो वरिष्ठता है शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया की, क्या उसको दरकिनार किया जाएगा, यही सब कुछ बातें उठेंगी अब, खासकर सागर जिले में तो ज्यादा उठेंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप लारिया तो अपना पक्ष रखते ही दमदारी से पार्टी में, उन्होंने पिछली पहले भी रखा था जिस तरह की खबरें आई थी, हालांकि वो खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन पार्टी फोरम के ऊपर जाकर बंद कमरे में आदि जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं उनसे वो बहुत दमदारी से बात रखते हैं प्रदीप लारिया, तो हो सकता है कि लॉबिंग कर रहा हूँ शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया एक साथ तो क्या करेंगे, लेकिन अपनी अपनी कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब क्या होगा सागर जिले में, क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तो शायद वो गोपाल भार्गव भी बनेंगे, गृह मंत्री को शायद बनाया जा रहा है भूपेंद्र सिंह को, तो फिर गोविंद सिंह राजपूत का क्या होगा, जो चर्चाएं अभी चल रही हैं वो तो फिलहाल यही बिल्कुल चर्चाएं ये कह रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी अब हो सकता है अब गुटबाजी अभी कहना ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी ये तो देखा जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि क्या ये वही बात है कि प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन पार्टी फॉर्म कहेंगे कि क्या हम तीन बार इसलिए विधायक बने कि जब पार्टी में कोई दूसरे आ जाए या दूसरे लोग पार्टी छोड़ के आ जाए हमारी पार्टी में आ जाए तो उनको मंत्री बना दिया जाए। ये तमाम बातें उठक पटक होगी और उठक पटक के बीच क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फिर मैं आखिरी में आके कहता हूँ कि अनुशासन का जो डंडा होता है वो तगड़ा होता है, वो सबको खामोश कर देता है, और उनसे हो सकता प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन से हो सकता है कि कहा जाए कि आपको जो है निगम मंडलों में रखा जाएगा, निगम मंडल बन जाए, क्योंकि पद तो बहुत सारे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनको जो है एडजस्ट तो किया जाएगा। लेकिन फिर भी तीन तीन बार के विधायक हैं, एक शैलेंद्र जैन पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं और प्रदीप लारिया पूर्व महापौर भी हैं, फिर तीन बार के विधायक भी हैं, तो इन तमाम चीजों को देखना होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी जी, आवाज आपकी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं प्रदीप लारिया, वरिष्ठ हैं वो, तो ये तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा, वो फिर उसी के बाद उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि खासकर सागर जिले में। जी सर, एक सवाल और है आखिर में, मैं यहाँ पर बस करना चाहूँगा कि अभी तो चर्चाएं तेज चल रही हैं, लेकिन आखिर कब तक कैबिनेट का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा, ये सर एक बहुत अहम बात है यहाँ पर, क्योंकि अभी बताया ये जा रहा है कि छोटे तौर पर किया जाएगा, सर क्या संभावना मान के चल सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है छोटे, तो क्योंकि देखिए बड़े लेवल पे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर वो राजभवन में एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, शपथ किस तरीके से दिलवाई जाएगी अगर बड़ा मंत्रिमंडल बनाते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा जाएगा, एक एक जो विधायक हैं उनको जो मंत्री बनाया जाए उनके साथ कितना स्टाफ जाता है वहाँ पे राजभवन में, क्योंकि जो भोपाल है वो हॉटस्पॉट बना जा रहा है कोरोना का, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन को मंत्री बनाना हो उनको शायद भोपाल भी बुला लिया गया हो, तो इस सब चीज़ों पे भी निगाह रखी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी छोटा मंत्रिमंडल ये बनाएंगे शिवराज सिंह चौहान, और खासकर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के लिए इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस भी अपना काम कर रही है इसमें, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का जो अमला वो ज़्यादा काम कर रहा है कोरोना को लेकर, तो इन दो मंत्रालयों की तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हीं के मंत्री नहीं हैं, तो शायद छोटा हो, और क्योंकि बताया ये जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह से मुलाकात की है, वो चाहते हैं कि बड़ा मंत्रिमंडल बने ताकि उनके जितने वो जो जिन लोगों को मंत्री बनवाना चाहते हैं उन सबको जगह दिलवाई जाए, लेकिन फिर कंडीशन वही बन जाती है कि मंत्री फिर अपने अपने दफ्तरों में जाएंगे, फिर वल्लभ भवन, बहुत सारी चीज़ें होंगी, भीड़ भाड़ हो सकती है, तो इसलिए क्योंकि नए नए भी मंत्री बनेंगे अभी टाइम जो होगा, तो वो सब चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो फिर क्या है कि मीडिया में खबरें जाती हैं तो फिर वो एक छवि ख़राब होती है, इसलिए शायद छोटा मंत्रिमंडल बनाएं और उसके बाद कोरोना से जल्द निपटने की कोशिश करके फिर अगली बार। कब तक मान सकते हैं सर, कब तक ऐसा? एक दो दिन में शायद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जी जी, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। थैंक यू
सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी से हम बात कर रहे थे और मंत्रिमंडल का विस्तार की बहुत तेज़ यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं सागर ज़िले की हम बात करें तो सागर ज़िले से यानी बुंदेलखंड अंचल से तीन बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और इसके अलावा सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत, जो कि कांग्रेस के बागी विधायक थे, भाजपा का दामन उन्होंने थामा और तीन लोगों के अभी नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति में, जो सागर की राजनीति है, उस पर ये चर्चा होगी कि प्रदीप लारिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता भी वो माने जाते हैं, शैलेंद्र जैन जो कि सागर नगर के विधायक हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर तीन नाम बड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं तो कई सारी यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। तो आने वाले दिनों में ये बात देखने वाली होगी और दिलचस्प भी होगी कि सागर की राजनीति आखिर क्या रंग लाती है, किस चीज़ में फिर देखने को मिलती है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। सागर टीवी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सागर टीवी न्यूज़ और STVN इंडिया बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे तमाम खबरों के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया।